जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिंपल शर्मा, आप देख रहे हैं भविष्य बोध। आज हम बात करने वाले हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं तो ऐसा कौन सा उपाय आप करें ताकि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिंपल शर्मा, आप देख रहे हैं भविष्य बोध। 21 मई 2023 आज हम बात करने वाले हैं आपके साप्ताहिक राशिफल की। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं तो ऐसा कौन सा उपाय आप करें ताकि आपका मान सम्मान में वृद्धि हो। साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं सामाजिक जगह पे जाते हैं, कुछ लोग हमें देख के अनदेखा कर देते हैं, तो जिनका सूर्य कमज़ोर होता है उनके साथ ये घटना अक्सर घटती है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की। तो देखें मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह क्या है। मेष राशि वाले, कार्य क्षेत्र की अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी आपकी रुकावटें आ सकती हैं, और वहीं अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा सचेत रह के चलना ज़रूरी है कि बिना सोचे समझे बिल्कुल ना बोलिएगा। साथ ही साथ अगर आपका मैं फिनेंस देखती हूँ तो इस सप्ताह फिनेंस आपका अच्छा रहने वाला है। यात्रा के योग बने हुए, आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर मैं देखती हूँ वहाँ थोड़ा सा आप अनमने हो सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। कार्य आपको क्या करना है, आपको हनुमान मंदिर पे अगर आप केले चढ़ाते हैं तो ये सप्ताह आपका बेहतर हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले के लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। वृषभ राशि वाले, कहीं ना कहीं अगर व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी चीज़ें मैं देखती हूँ तो वहाँ आपको सफलता के योग बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा लालच से बचिएगा, नहीं तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करती हूँ, जो अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रपोजल आ सकते हैं, साथ ही साथ गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। वहीं फिनेंस का क्षेत्र आपका अच्छा दिख रहा है, जो अगर रुका हुआ धन था तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। आध्यात्म के क्षेत्र में आप थोड़े से उसके अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है धार्मिक यात्राएं भी आपकी हों। शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए वाइट, सफ़ेद रंग। और कार्य आपको क्या करना है, आपको चावल का दान करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये सप्ताह और बेहतरीन हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। मिथुन राशि वाले, ये सप्ताह आपको मिला जुला फल देने वाला है। कहीं अगर आपको कुछ खुशखबरी मिलेगी तो कहीं हो सकता है आपको दुखद समाचार भी मिल सकते हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में तो तरक्की आपकी दिख रही है, लेकिन वहीं अगर सामाजिक क्षेत्र की हम बात करते हैं, आपके पर्सनल लाइफ की बात करते हैं, वहाँ थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मन मुटाव आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके फिनेंस में भी थोड़े से उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहे हैं, फिजूल खर्ची से ज़रूर बचिएगा इस सप्ताह। शुभ रंग आपके लिए रहेगा हरा रंग। काम आपको क्या करना है ये सप्ताह बेहतर करने के लिए, उपाय के तौर पे आपको गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो ये सप्ताह आपका बेहतरीन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह आपको व्यावसायिक तौर पर महिला वर्ग से हमें फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, या अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो महिला वर्ग को आप इन्वॉल्व करें, हो सकता है वो आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। अगर पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह थोड़ा सा मानसिक कष्ट का हो सकता है। अगर हम आपका फिनेंस पार्ट देखते हैं तो वो अच्छा दिख रहा है। संतान संबंधी आपको कुछ खुशखबरी मिलती हुई दिख रही है। आध्यात्मिक तौर पर देखें तो आपका जीवन और सुखमय हुआ दिख रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज रंग। और कार्य आपको क्या करना है, आपको पानी का दान करना है। अगर आप ज़रूरतमंद को पानी पिलाते हैं तो ये सप्ताह आपका और बेहतर हो सकता है। सिंह राशि वाले, देखें आपके लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। सिंह राशि वाले, कहीं ना कहीं आहत हो सकते हैं इस सप्ताह की शुरुआत, हो सकता है मन मुटाव से हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा मान सम्मान में दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है।
अगर हम आपका पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ये समय आपका अनुकूल चल रहा है, वहीं अगर हम धन की दृष्टि से देखें तो वहाँ पे हमें फिनेंस आते हुए आपके दिख रहे हैं। अध्यात्म की दृष्टि से समय आपका अच्छा चल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। कार्य आपको क्या करना है, आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों देखें आपके लिए क्या है। कन्या राशि वाले ये सप्ताह थोड़े से आप कहते हैं ना आलस भरा हो सकता है, थोड़े सी आपकी सेहत दिक्कत दे सकती है, तो कोशिश ये करेगा खान पान का इस सप्ताह आपको खास ध्यान रखना है। व्यवसाय की दृष्टि से ये अच्छा है और इस सप्ताह के अंत में हो सकता है फैमिली गेट टुगेदर के योग बने हुए हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए बादामी। अगर आप हरी मूंग, जो खड़े मूंग रहते हैं, वो गणेश जी को अर्पण करते हैं तो ये सप्ताह आपका और बेहतर हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। देखिए तुला राशि वालों के लिए क्या है। तुला राशि वाले ये सप्ताह आपको हो सकता है मेहनत कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा फल मिलेगा। इस सप्ताह ये खास रहेगा आपके लिए कि आप अपने सामाजिक क्षेत्र को और आपके व्यवसायिक क्षेत्र को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे और सेहत आपकी सुधरती हुई दिख रही, मानसिक तौर पे आप बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग रहेगा वो रहेगा आपके लिए सिल्वर। अगर आप दूध का दान करते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या है। वृश्चिक राशि वाले, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ रहा है, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें तो अच्छा रहेगा। व्यावसायिक तौर पे ये भी कह सकते हैं, अगर कोई इवेंट आप करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में है या आपका कार्य इवेंट से रिलेटेड है, तो वहाँ हो सकता है कोई बड़ी सफलता आपको हासिल हो सकती है। इंटरव्यूज़ जो दे रहे हैं उनको भी सफलता हासिल होती हुई दिख रही है। साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स का आपका साथ बना रहेगा और धन संबंधी समस्याएं भी अब खत्म होती हुई दिख रही है। पैतृक संपत्ति के भी योग बने हुए हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर। कार्य आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी को अगर केले चढ़ाते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। धनु राशि वाले देखें ये सप्ताह आपके लिए क्या लेके आया है। धनु राशि वाले ये सप्ताह थोड़ा स्ट्रेस में आपका गुजर सकता है, सेहत थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, वहीं हो सकता है रुका हुआ जो पैसा है आने वाला था, इंतज़ार कर रहे थे कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें भी डिले हो सकता है। साथ ही साथ संपत्ति के योग बने हुए हैं लेकिन दिक्कतें आपको फिनेंशियली आ सकती हैं, तो इस सप्ताह आपको खास सेहत और फिनेंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा पीला। और का उपाय के तौर पे क्या करना है, गाय को अगर आप चने की दाल खिलाते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए देखें क्या है। मकर राशि वाले आप अपने कार्य से संतुष्ट होते हुए दिख रहे हैं, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता हासिल होगी और ये सप्ताह लोगों की मदद करने में आपका ज़्यादा गुजरने वाला है, जो कि रिटर्न्स इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा आने वाला है। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ रंग रहेगा ग्रे कलर। उपाय के तौर पे अगर काले उड़द किसी मजदूर वर्ग को देते हैं तो आपके लिए अति शुभ रहेगा। कुंभ राशि वाले देखें आपके लिए ये सप्ताह क्या लेके आया है। कुंभ राशि वाले ये सप्ताह आपका बेहतरीन निकलने वाला है, कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि आपकी होती हुई दिख रही है, साथ ही साथ नया पैसा आता हुआ दिख रहा है, धन में वृद्धि के योग बने हुए हैं और यहाँ तक कि संतान संबंधी भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलती हुई दिख रही है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा ब्लैक रंग। कार्य आपको क्या करना, आपको बहते जल में अगर आप काले तिल प्रवाह करते तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए देखें क्या है। मीन राशि वाले बहुत समय से कुछ नवीन कार्य प्रारंभ करने के उसमें थे, तो ये समय आ चुका है, ये सप्ताह हो रहा है कि आपका नवीन कार्य प्रारंभ हो जाए। साथ ही साथ अगर आपका कुछ शासकीय कार्य अटका हुआ था तो वो भी संपन्न होता हुआ दिख रहा है। फैमिली गेट टुगेदर्स दिख रहे हैं, हो सकता है बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो घर आते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग जो रहेगा गोल्डन रंग। और कार्य आपको क्या करना है, आपको हल्दी का तिलक लगाना है, उससे ये सप्ताह आपका बेहतरीन हो सकता है। ये तो था आपका साप्ताहिक राशिफल। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर मान सम्मान में वृद्धि आप चाहते हैं, अपना ऑरा बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अगर संडे के दिन आप गेहूँ का, ज़रूरतमंद को गेहूँ का दान करते हैं तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपका ऑरा मजबूत होगा।
अब आपको दान किन लोगों को करना है? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज़रूरतमंद बुजुर्ग लोग हैं, अगर उनको आप गेहूं का दान करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ अगर आप निरोगी काया भी चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको गुड़ का दान अगर आज करते हैं तो निरोगी काया भी आपको प्राप्त होगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माता दी। मेहरबान कदरदान साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बढ़ती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।